नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के संभल से है, जहां लगातार कोरोना संक्रमित मामले सामने आने के बाद प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। खुद नोडल अधिकारी संक्रमित इलाकों में जाकर व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, जनपद संभल में अब तक कुल मिलाकर 16 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके चलते संभल में दो नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। मुरादाबाद आयुक्त वीरेंद्र कुमार सिंह और आईजी पीएससी अमित चंद्रा को संभल भेजा गया है, जिसके बाद दोनों अधिकारी लगातार संक्रमित क्षेत्रों में जाकर भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। नोडल अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने जिला अस्पताल सहित अन्य जगहों का दौरा किया और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर घर में रहने की अपील की। इसके अलावा अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि हॉटस्पॉट में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, उनके खाने पीने की व्यवस्था समुचित ढंग से की जाए, होम डिलीवरी करके लोगों को जरूरी सामान मुहैया कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिले में 5 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। ये है कि जो कोरोना से संक्रमित पॉजिटिव रोगी आ रहे हैं, उनके इलाज की व्यवस्था की जाए, उनके जो कॉन्टैक्ट में लोग हैं उनका सैंपल लिया जाए और जो हॉटस्पॉट चिन्हित हैं वहाँ पर होम डिलीवरी की जाए, खाद्यान्न की, दूध की, दवाओं की, और वहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम नियमित रूप से किया जाए। इन सब चीज़ों की समीक्षा की गई है और आज जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया है। यह भी शासन का निर्देश है कि जो कोरोना के अतिरिक्त अन्य लोग भी हैं, रोगी हैं अथवा जिनको चिकित्सा की आवश्यकता है, उसका भी मुकम्मल इंतजाम रखा गया है। उस दृष्टिकोण से जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया है तो व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं, लेकिन निर्देश ये दिया गया है कि सफाई का जो कार्य है, सैनिटाइजेशन का कार्य है, इसको और प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और मेडिकल की जो टीमें हैं वो और सक्रिय रहें, सैंपल इत्यादि जिस तरह के निर्देश उसके हिसाब से दिया जाए और जितनी भी जनता के लिए जो भी शासन के निर्देश हैं, खाद्यान्न उपलब्ध कराना, राशन वितरण करना, उन सब चीज़ों को प्रभावी ढंग से किया जाए, ये निर्देश दिए जाए। सर, अब तक 16 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं सर संभल में, तो कितने हॉटस्पॉट बनाए गए हैं? हॉटस्पॉट तो आपके 3 यहाँ पर, 4 हैं यहाँ पे सर, एक यह दीपा साहब, एक सरायदरी, 3 जो है संभल में है, रजपुरा में 1 है और 1 जुनवाई में आज चिन्हित हुआ है, 5 हो जाएंगे। इन 5 हॉट स्पॉट में जो भी व्यवस्थाएं हैं सब प्रशासन का है।